हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के स्टूडियोज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास सेवन का मैथ, जिसे हमने स्टार्ट किया था लाभ और हानि से। ये इसका पार्ट फाइव है, यानी कि लाभ और हानि का पार्ट चार तक, यानी कि चार वीडियोस आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट पर जाइएगा, अपने क्लास के फोल्डर्स में जाइएगा, यानी क्लास सेवन वाले फोल्डर में जाइएगा, वहाँ पर आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कंटेंट आपके क्लास का मिलता रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के सवाल में। देखिए, आज के सवाल के लिए आपको कुछ जो है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। यानी लाभ हो या हानि हो, दोनों स्थिति में आपको क्रय मूल्य नीचे रखना है। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा गया दाम, यानी जिस दाम पर आप खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझना है, जो इस सवाल में अप्लाई होगा, क्या होगा? जब आपको लाभ हो, जब आपको फायदा हो, तब आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य का मतलब समझते हैं, बेचने वाला दाम आपका क्या होगा। यानी जब आपको फायदा हो, यानी कि जितने में आपने खरीदा है और जितना आपने लाभ कमाया है, उन दोनों को जोड़िएगा, तब जाकर के आपको विक्रय मूल्य मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आपने इस पेन को 10 रुपये में खरीद के लाया, कितना में? 10 रुपये में। आपको इसमें 5 रुपये का लाभ कमाना है, 5 रुपये का लाभ कमाना है, तो बताइए आप कितना में बेचिएगा इसको? तो 10 और 5 जोड़ दीजिएगा, 15 रुपये में बेचिएगा, तब जाकर के आपको 5 रुपये का लाभ होगा। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जब लाभ हो तब विक्रय मूल्य क्या होने वाला है, जो खरीदे हैं क्रय मूल्य को और जितना लाभ कमाना चाहते हैं उस दोनों को जोड़ना होगा, तब जाकर आपका विक्रय मूल्य निकलेगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है, जब आपको हानि हो जाता है, यानी कि नुकसान होता है, तब आपका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य में हानि को घटाना होगा। यानी कि हमने 10 रुपये में कलम को खरीदा, जिसमें हमें 3 रुपये का लॉस सहना है, यानी कि हानि सहना है, तो हम उसे कितना में बेचेंगे? तो हम उसे कितना में बेचेंगे? 10 में से 3 को घटा देंगे, यानी कि उसे हम 7 रुपये में बेचेंगे। तो हमें क्या करना होगा? क्रय मूल्य में हानि जितना कमाना है ना, उसको घटाना होगा, यानी जितना आपने लॉस उठाना है उसको घटा दीजिए उसमें। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम अपने सवाल पर आते हैं। हमारा सवाल कह रहा है कि एक टीवी को 5500 रुपया में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया, विक्रय मूल्य बताइए, यानी इसका बेचने वाला दाम बताना है। देखिए, टीवी कितना में खरीदा है? 2500 में। तो 2500 में खरीदा है, खरीदने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना दे दिया है? 5500 रुपया, ठीक है। अच्छा, लाभ प्रतिशत बराबर कितना दिया है? लाभ प्रतिशत कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है बताइए? 25% आपका लाभ कमा रहा है। लाभ प्रतिशत आपको दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत आप बोले ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लगाइए यहां पे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ गुना 100 और बटा में क्या जाएगा? क्रय मूल्य। बटा में क्या जाएगा? क्रय मूल्य, यानी खरीदना गया। लाभ कितना हुआ है आपका? तो 25 नहीं, लाभ तो हमको पता करना है ना, लाभ हमें पता करना है, तो लाभ हमें मालूम नहीं है। लाभ आपको दिया है कितना? प्रतिशत में। हमें प्रतिशत में लाभ नहीं चाहिए, हमको लाभ एक्चुअल चाहिए, कि एक्चुअल में लाभ हुआ कितना है, तभी हम बता सकते हैं कि उसको कितना रुपये में बेचा या फिर कितना रुपये में खरीदा। तो चलिए देखते हैं, एक्चुअल में लाभ हमें निकालना है, तो हमको लाभ निकालना है, तो आप लाभ लिख दीजिए गुना 100। और क्रय मूल्य का मतलब जो खरीदा गया है, कितना में खरीदा है? क्रय मूल्य 5500 में। कितना में खरीदा है? तो 5500 में। अब देखिए यहाँ पर 55 से 00 काट दीजिए, ठीक है। और लाभ प्रतिशत कितना था बताइए? लाभ प्रतिशत आपका दिया गया यहाँ पे, जैसे लाभ प्रतिशत है तो यह है 25, ठीक है। तो 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लाभ है, ये तो खत्म हो गया है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो लाभ को जब 1 से गुना कीजिएगा तो आपको लाभ आ जाएगा। अब 25 को आप इससे गुना कर दीजिएगा, 25 गुना 55, जो कि हो जाएगा आपका 1375। यानी लाभ हुआ है उसको 1375 रुपये में। अब आप बताइए, 1375 रुपये का लाभ कमा रहा है और खरीदा है 5500 में, तो बेचेगा कितना में बताइए? तो विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा बोलिए? विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 5500 रुपये में खरीद के लाया, विक्रय मूल्य क्या करेंगे? क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे, तो खरीदा कितना था? 5500 में, और लाभ कितना कमाया है? 1375। इन सबको जोड़ दीजिए, 5, 7, 5, 3, 8, 6, यानी 6875 रुपये में उसको बेचा जाएगा। जल्दी से वीडियोस को रोककर इसे नोट कर लें।